किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी। आज हम आए हैं रोहटा क्षेत्र में। बहुत ही शानदार किसान है अपने और काफ़ी नाम भी है इनका। और भैया गन्ने की कंडीशन आप देख लो, पिछली वीडियो हमने बनाई थी फरवरी में और आज काफ़ी दिन के बाद में हाँ भैया के यहाँ पास में आना पड़ा। तो भैया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो भैया क्या कर रखा जी, यो कैसे कर रखा, हटो बच्चो कैसे करके मन लोगे? वो भैया देखो एक बात बताओ, नौकरी तो हमारे है नहीं। हाँ जी अपना यो ही नौकरी है, तो इसी में लागत मेहनत जो करनी। तो मतलब तड़की को टिपन लेकर ड्यूटी के टाइम पे चल दो। हाँ जी। और सांझ को फिर जालो घर, शाम को अपना घर चले, या दोपहरी में लंच में भी जाओ। नहीं दोपहर में घर रहे, अच्छा शाम को फिर आ ले। तो तुम तो ड्यूटी वाला से बढ़िया काम कर रहे हैं, ड्यूटी वाला धारे आगे क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यानी चलो। तो खैर हंसी मजाक बहुत होगी, भैया छोटा सा अपना परिचय करवा दो। भैया मेरा नाम आदित्य है, गांव रोहटा है, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। तो ये गन्ना रिंग पिट का, जो रिंग पिट से बुआ हुआ गन्ना जी सर। जब हमने वीडियो बनाई थी जब तो गड्ढा ही कर रहे थे। हाँ, जब फरवरी मार्च के आसपास बुआई होगी थी इसकी। हाँ जी, 17 मार्च को फाइनल हो गया था बुक है, तो वही है गन्ना। तो भैया थोड़ा सा मुझे ये बता दो, ये जो धुआंधार बीज है ये कौन सा जी? भाई यो है पीवी 95 जी। पीवी 95? हाँ जी। कैसा बीज है? बस किसानों की तो पहली पसंद है जी। अच्छा। और मील वालों की है नहीं। मील वाले तो इसे देख के बिजरनी की तरफ दूर को भागे हैं मील वाले। उछाले एकदम। हाँ जी। ऐसा कैसे? बस वो तो देखो पंजाब में तो पास है, अर्ली में ले रहे इसे। हाँ जी। बस समस्या पता नहीं मील वालों की क्या है, संस्थान की क्या है, वो तो उन्हें पता। मुझे तो ऐसा लग रहा जी इनकी कोई मुच्छों की भी लड़ाई है। बस हमें इसकी चीनी अब वो है कि सरकार इनको नु कहेगी वहाँ ऐसा वेराइटी निकल रही, तुम क्या कर रहे, हम ऐसी वैरायटी क्यों नहीं दे रहे किसानों? बात तो वही होगी ना, घुमा फिरा के मुच्छों वाली बात होगी। अगर मील इसे ले लेना। हाँ जी। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, 2 साल में किसान कहीं से कहीं पहुंच जाए। हाँ जी। हाँ। इसकी लिमिट नहीं बीज की, मतलब वजन की भी और पैदा की भी। ओवर बीमारी कम है। बीमारी कम है? कम है वाकई में। हाँ जी। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देख लो जी, आपके सामने दिख रहा जी खेत, हटो और बचो हो रहा। भैया अब आप ये बताओ कम समय में ही। हाँ जी। गर्मी हो रही बहुत तेज, कौन कौन से खेत में बीज है, कौन कौन सा बीज आपको अच्छा लग रहा है और कौन कौन से बीज का आपका मन है? भैया 38 के बारे में आपके क्या विचार? इस बात को मैं आपकी एक सेकंड रोक के पहले बता दूं कि कमेंटबाजी बहुत चल है। भैया मेरे पास बीज थोड़ा थोड़ा सा नाम है बेचने वाला बीज। अच्छा। तो बीज है नहीं भाई, बिना मतलब कह रहा कि बीज बेचने वाला है या वो है, मतलब ये तो अपने आपने के लिए लगा लिया वैसे ही भाई, देख रहे क्या होगा क्या होगा ना होगा। तो इसमें एक तो भैया आपका है 13235, ठीक है। एक है 238, ठीक है। और एक आपका है 17231, ठीक है। एक गड्ढा 11015 का भी है। 17231 दिखाओ मुझे, उसके बड़े रुक के इतना मील वाले बड़े कह रहे हैं उसे वो मील वाले। तो भैया 23 को और 31 को कह रहे हैं 17200 से। पर ये बीज मैं आपसे लिख के दे रहा भैया, देखो ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं, पर मील वाले कुछ कर लियो ये बीज चले ना। कौन कौन से? 17231 भी नहीं चलने का ना, 15023 चले। 15023 तो मन ने पर 15023 नए गाँव में वीडियो बनाई थी, किसान ने मुझे बुला लिया, दो एक वहां हमारे मील के जानकार लिकट के वे मेरी खुशामद करने लगे। उनका बबलू भैया वीडियो ना दिखाइए। उनने किसान ने क्या काम कर रखा था, अपनी रिश्तेदारों की सबकी धोती ला के खेत के चारों तरफ बांध रखे थे। भैया जंगली जानवर ने फाड़ दिया, बिल्कुल नुकसान है, बहुत नुकसान। और गवर्नमेंट कह रही है कि किसान की आय दुगनी करो। हाँ जी। इसमें तो लागत डबल, पोटास डबल चाहिए, हर चीज डबल चाहिए, लागत कहाँ से है? तो आमदनी लागत दुगनी हो रही आय से। हमने तो पिछले साल लाया था मैं एक जगह से, बोर्ड के पौधे ही बस पाट दिया था, जोत दिया था मैंने तो खूब। हम भी खत्म कर देंगे, पिट दी थी और फूटी नहीं। नहीं फूटी। हर गड्ढे में 25-30 गन्ने थे बोर्ड में। हाँ जी। उन्हें सूर गिद्दड़ विद्दड़ सब खा गए। हाँ। और पेटी फूटी नहीं, 5-5, 4-4 गन्ने खड़े उसके। एक कर्मचारी मिल का मेरे से नु कह रहा कि आप अपने खेत की सिक्योरिटी बढ़ाओ। अरे भले आदमी सिक्योरिटी कैसा, मतलब जंगली सुअर से भी सिक्योरिटी बढ़ा नहीं। फिर तो यो है बस टंडा लेकर खेत में घूमने जाओ दिन रात। अच्छा 17231 दिखा रहा आपको। चलो 17231 से गुंठे जितने मोटे गंडे हो रहे हैं उसके। तो नुका में रिकवरी चिन्नी लटक रही, झड़ जा हाथ धड़ दो। अब चिन्नी देख लो कैसी लटक रही, आ जाओ तुम जी। योरा देख लो आपको। अच्छा यो वही है महाबली? हाँ जी देख लो योरा। योरा यो मेरा अंगूठा यो गन्ना देख। और वही खुराक इसमें लग रही है और वही इनमें लग रही, टोटल खुराक सब सेम है पूरा खेत। कभी ऐसा हो तुम इसे बदनाम करने की मारो, इसमें ना गिर रहे हो कुछ भी। भैया बदनाम किया बात है, फ्री में दे दूंगा इस बीज को। फ्री में? फ्री में जिसे चाहिए होता हो। 13 गड्ढे हैं, ज्यादा तो है नहीं। 13? हाँ 13 के 13, जिसका जी करता हो बता दियो, अपने आप बीज करके दे दूंगा मैं तो। सब होने का मतलब छोल के भी दे दोगे? हाँ जी। भाई ऐसा किसान हमने पहली बार देखा जो मतलब छोल के भी दे देगा।
नकली हो, पूरा खेत फ्री में, बिल्कुल ओरिजिनल है, संस्थान का आया ना, यो होता ही ना, यो हमारे वहाँ भी ना हुआ। गन्ना बारीक है इसका बहुत। हाँ जी, चीनी विन्नी का पता नहीं, ठीक नहीं है। चीनी कहाँ से निकल जाएगी जब गन्ना बारीक है? हाँ जी, हाँ जी, माल जब निकलेगा, वजन तो जो होगा तो माल जब ही तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी कौन सी वैरायटी? आपको दिखाऊं, आ जाओ मैं। हाँ जी, माल तो ऐसा में निकला है। हाँ जी, देखियो, यो देखो, यो क्या है, ये UP 0525 है, हाइट में देख लो, मोटाई में। वैरायटी है भैया पास है, संस्थान की जो बुकलेट है उसमें भी पास है। हाँ जी, पर कोई से पास बता रहा, कोई फेक नहीं, पास है, अर्ली में पास है, पूरे यूपी के लिए पास है। हाँ जी, हाँ जी, पास है। अच्छा, कोई रिजेक्ट बता रहा, कोई कुछ बता रहा, वो तो सब अपनी समझ है, जिसका जैसे मन हो वैसा करो। तो ये तो ऐसा मन लो, ये तो गंडों में खली है, यो है जैसे खाट की भाई हो जा। हाँ जी, हाँ जी, देख लो मोटाई, ऐसा मन लो, ये तो, और सारों की देख लो, यो एक गन्ना भैया 4-5 किलो का ना हो जा। हाँ जी, ऐसे योरी हाइट देख लो ना। हाँ हाँ हाँ, 6 मेरी यार, 1.5 फीट ये है, 7.5 और 1.5-2 फीट हो रहा है, 9-10 फीट का गन्ना गन्ना हो रहा, 10 फीट का गन्ना, और अभी करीब करीब फरवरी में कटिंग लगेगी इसमें, फरवरी में लगेगी। हाँ, अभी तो और भी बढ़ेगा। हाँ जी, एक गड्ढा 11015 का भी है। वो कहाँ है? वो भी दिखा रहा मैं, आ जाओ आप। आज पानी कर रखा था हमने। हाँ जी, आज पानी चला दिया इसमें। भाई देखो कितने मोटे मोटे गन्ने हैं जी, बहुत शानदार वेराइटी। वैसे भैया के पास में किसान भाइयों, यो जो है ना, यो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे बीज के लिए, ना बीज ना, के लिए नहीं, ये तो किसान भाई ने अपनी शौक के लिए बो रखा। 5-4 क्विंटल बीज सारे ये। अच्छा, यो अच्छा, अच्छा, यो है 11015 का, देखो हाइट वाइट से हर चीज से फर्स्ट क्लास। एक ही गड्ढा? बस एक ही गड्ढा है, एक ही गन्ना मिला था, यो बो दिया। अच्छा, किसान भाई ये जो गन्ना है जी, ये 11015 है, और ये भाई ने जो है एक गड्ढा मिला था, और वो देखो जी कितना शानदार है, जबरदस्त भैया। हाथ है ऊपर को, मुझे लगा 10-11 फुट का तो गन्ना भी है इसमें तैयार। हाँ जी, 11 फीट 12 फीट ऐसा गन्ना गन्ना हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यो मान के चलो ऐसा हो जा, अब मील वाले तो ना होने दे रहे जी। क्या कह रहे? अब मील वाले तो 23 बोलो बस, या 14201 बोलो। 14201 जो है, 14201 नहीं होता जी, मारे वो तो बढ़ने को नाम नहीं लेता, नीचे साल 1.5 बीघा वो रखा पेडी अब मेरे धोरे, उसे आप जाके देख लो, उसमें आधी ट्रोली होगी। जो बेकार है वो कहाँ जाएगी? बेकार बीघे में 3 ट्रोली होनी थी। देखो आज मैं आपसे बताऊं, स्पष्ट इस वीडियो में डाल दियो चाहे आप। जी जी जी, 15023 जी, मील वाले कुछ कर लियो जी, मील मुझे नहीं लगता है चल जाए, किसानों का नाश है ना, चले नहीं, क्योंकि जंगली जानवरों का नुकसान बहुत है। 14201 है उसमें ग्रोथ नहीं, वो बढ़ता नहीं, वो बढ़े नहीं। 13235 बीज है बढ़िया, 17231 है, यो भी नहीं चले ना, यो चले जी बड़ी गन्ना बहुत। अब की बार देखेंगे, 16202 लॉन्च हुआ और 18231 हुआ। हाँ जी, हाँ, अब इनका क्या है वो तो पता लगेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 13235 और दिखा इससे परे कौन सा जी? यो PBP 94 में है जी। इसके कितने गड्ढे? इसके 35 गड्ढे जी, 35 गड्ढे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यो भी नहीं चले? कौन सा जी? यो इसे भी किसान इनू कह रहे यो नहीं चलने का, तो किसान भाई इसे भी ना बो जाते। हाँ जी, PBP 94 में को देखो, जिसका मील ले रहा हो तो बोलो। इसकी इसका क्या कहोगे दाम? ना इसे तो बोऊंगा जी मैं, 8 गड्ढे हैं ये, इसे तो बोऊंगा। या तो जब पास है फिर क्या दिक्कत, रोग नहीं है। और इन गड्ढों में आज तक डाई नहीं है। अच्छा, कोई स्प्रे नहीं है 8 गड्ढों में। बहुत बढ़िया। सिर्फ 35 का क्या हिसाब है? 2 बार यूरिया, आ जाओ 35 भी दिखा। और ये तो अब कहीं कहीं कुछ भाई मेरे कहे 13235 को भी नु कह रहे ना बो ना भाई। क्यों ना बोवे जी? मना कर रहे पता नहीं क्यों। भाई एक बात तो बताओ, पास वैरायटी संस्थान की। हाँ जी, मील वाले कौन रोक देगा ऐसा? कौन से नहीं मना कर रहे? नहीं, जो मना मुझे कर रहा किसान भाइयों ने कही मेरे से कमेंट करी उनको, भाई हमारे मील वाले कह रहे इसे ना बो, 15 मील वाले रोक नहीं सकते। अच्छा, के ना बो, ना लेने से मना कर सकते। अब ये देख लो आप, 13235 की हाइट देख लो आप, इसे ऐसा हिला के देख लो, वजन पजन हर चीज फर्स्ट क्लास है जी, और चारा भी बहुत है पशुओं के लिए। बिल्कुल, और कीटनाशक बहुत कम चाहिए इसे। एक स्प्रे में गन्ना होने वाला है तैयार, 2 या 3 बार यूरिया डाल दो बरसात से पहले पहले, बस बरसात से पहले पहले यूरिया जो कुछ करना, बरसात से पहले पहले मतलब मई जून में ही कर लो, जून में बस, जून में एक स्प्रे मार दो, उसके बाद कुछ नहीं है। जून में इनमें लगा था खाद स्प्रे जो भी लगा था। अच्छा जी, जब से अब तक कुछ नहीं है, पानी भी आज खरा, 3 महीने हो लिए, बारिश सही काम चल रहा। अच्छा अच्छा, तो अब आदित्य भैया मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसा आपने ये बंधाई करी। हाँ जी, ये प्लास्टिक से काट काट के बंधाई करी। हाँ जी, तो इससे क्या लाभ है? अब देखो, रिंग पिट में गन्ना गिरता तो है नहीं। अच्छा, क्योंकि 1.5 फीट जमीन में से दब रहा है, ठीक है,
सिरप और सिरप इसलिए बंधाई करनी पड़े कि गन्ना जो है जैसे लंबा हाइट ले जावे तो ऐसा ना फैले। अच्छा मतलब खिल जा, खिले ना मिड्ढा, जैसे बाजी बस गन्ना सीधा रह, तूफान में गिरने से कोई नहीं है। अच्छा। पानी चल रहा आप इसे गिरा के दिखा तो गिरे नहीं बिल्कुल नहीं गिरने का। अच्छा तो खिले नहीं, बस बाहर को ना खिला गन्ना सीधा ही चलता रह। अच्छा रस्सी से इसलिए बंधाई करवा और एक मुड़े नहीं निकलते। अच्छा। बारीक या जो छोटा गन्ना है रस्सी से ढीला सा बन रहा ना जैसे देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना ढीला बन रहा तो मूना नहीं बने। तो जो यदि बारीक भी गन्ना होगा तो पूरा हाइट लेगा, पूरा हाइट लेगा, मूने की परसेंटेज नहीं बिल्कुल कम है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब जैसे बहुत भाई दवाई कर रहे हैं, मैं ज्यादा दवाइयों का नाम भी नहीं लेना चाहता। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि बहुत भाई वीडियो डलते ये कह मैं भाई तो वीडियो का दवाइयों का प्रचार कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे समय चल रहा है आज सितंबर का लास्ट हो गया, तो एक आधी स्प्रे करोगे अब नहीं करो? देखो कीड़े का तो जो टाइम था तो जा लिया, ठीक है, लेकिन वो फिड़का विड़का सा हो रहा, इसका एक स्प्रे मार दो इसमें। अच्छा। गन्ने में बस अब जी, और इसके साथ कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप, जैसे मैं तो देखो ये सलाह दूंगा आप गन्ने में, एक तो जिंक का स्प्रे करो, जिंक चिलेटेड जिंक जो आओगे स्प्रे वाला। अच्छा। और एक आप उसमें बोरान ले लो जी स्प्रे वाला जी। और एक कोई भी कीटनाशक हल्का फुल्का वो कर दो, हाँ फंजीसाइड की अब कोई जरूरत नहीं, इन तीनों का करो। गन्ने में कलर भी वजन भी हर चीज बरकरार है लास्ट। तो यो अगर करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा? खुद ये थोड़ा करके देख लो, रिजल्ट मिलेगा, कर लियो ना मत करियो, बहुत बेहतरीन चीज है। तो मतलब इस चीज को आप अजमा रहे? अजमाए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों जैसे भैया ने बताया बहुत बढ़िया दवाई है, अगर आप करोगे, ये टॉनिक है दवाई नहीं है खैर, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और भैया ने बहुत ही अच्छी फसल तैयार कर रखी है, बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी, देख लो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, जैसा भी रिप्लाई हो कमेंट जरूर करना। अच्छा भैया जी, अच्छा, नमस्कार।